तो इस हफ्ते आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स के कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में, कुछ अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के शोज के बारे में और वार्नर ब्रॉस के अपकमिंग फिल्म्स के अनाउंसमेंट्स के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो सभी अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये मंथ 2020 का लास्ट मंथ है और नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर नए साल के लिए काफी सारे शोज अनाउंस कर दिया है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दें कि कोबरा काय सीजन 3 का रिलीज डेट चेंज करके अब 1 जनवरी कर दिया गया है और आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकेंगे। नेटफ्लिक्स ने ये कंफर्म कर दिया कि द विचर के सीजन 2 से पहले हमें द विचर की एक एनिमे फिल्म देखने को मिलेगी, द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ, जिसका नेटफ्लिक्स ने एक लोगो टीजर रिलीज किया है। साथ ही द विचर के सीजन 2 का कुछ सेट फोटोज और स्क्रिप्ट का पहला पेज रिवील किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉक एंड की के सीजन 1 के सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज का सेकेंड सीजन अनाउंस किया, जिसे नेक्स्ट ईयर 2021 में रिलीज किया जाना है। और इस हफ्ते इस सीरीज का थर्ड सीजन भी अनाउंस कर दिया गया। अगर लॉक एंड की और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि हमें इस सीरीज का और भी नए सीजन और स्पिन ऑफ शोज देखने को मिले, क्योंकि लॉक एंड की के बहुत सारे बुक्स हैं जिसपे नेटफ्लिक्स सीरीज डेवलप कर सकता है। लास्ट वीक जो रूसो की द ग्रे मैन फिल्म को अनाउंस किया गया, जिसमें हमें बताया गया कि इस फिल्म में रायन गॉसलिंग और कैप्टन अमेरिका के स्टार क्रिस इवांस देखने को मिलेंगे। पर इस हफ्ते इस फिल्म के कास्ट लिस्ट को अपडेट किया गया, जिसमें हमें कुछ नए कास्ट देखने को मिले। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जेसिका हेनविक, जिन्हें हमने आयरन फिस्ट और द डिफेंडर्स में देखा है। दूसरा नाम है नार्कोस के स्टार वैगनर मौरा। और सबसे बड़ा न्यूज ये है कि इस फिल्म में हमें एक इंडियन एक्टर भी देखने को मिलेगा, और वो एक्टर है धनुष, जो काफी बेहतरीन एक्टर माने जाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। जैक स्नाइडर नेटफ्लिक्स पर आर्मी ऑफ द डेड का एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, और अभी आर्मी ऑफ द डेड की पहली फिल्म 2021 में रिलीज किया जाना है। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहां तक कि आर्मी ऑफ द डेड के प्रीक्वल फिल्म का भी शूटिंग कंप्लीट कर दिया गया है। तो हो सकता है कि हमें 2021 में आर्मी ऑफ द डेड की दो फिल्म देखने को मिले। आर्मी ऑफ द डेड एक ज़ॉम्बी फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। HBO ने गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सक्सेस के बाद HBO ने एक प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन को अनाउंस किया, और अब इस सीरीज को लेकर ये भी अनाउंस कर दिया कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद हमें और भी स्पिन ऑफ देखने को मिलेंगे, यानी कि हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन के अलावा और भी गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल या सीक्वल देखने को मिल सकते हैं। जैक स्नाइडर ने स्नाइडर कट का रिलीज डेट कंफर्म कर दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि सीरीज को मार्च में रिलीज किया जाएगा। वार्नर ब्रॉस ने अपने कुछ नए फिल्म्स के रिलीज डेट अनाउंस किए हैं, जिसमें हमें मैड मैक्स की फिल्म फ्यूरियोसा 23 जून 2023 में देखने को मिलेगा। ये मैड मैक्स फ्यूरी रोड की एक प्रीक्वल फिल्म है। नेक्स्ट कायोटी वर्सेस एक्मे, टॉम एंड जेरी के बाद कायोटी वर्सेस एक्मे का एक लाइव एक्शन फिल्म अनाउंस कर दिया गया है। ये कार्टून हमारे चाइल्डहुड का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून हुआ करता था, जिसका वार्नर ब्रॉस ने एक लाइव एक्शन फिल्म अनाउंस किया है। इस फिल्म का रिलीज डेट 21 जुलाई 2023 सेट किया गया है। डिज्नी ने अडेप्ट किया है मेगन वेलन टर्नर की नॉवेल द थीफ को। द थीफ के अब तक 6 बुक पब्लिश हो चुके हैं और अब डिज्नी प्लस पर इस नॉवेल पर एक लाइव एक्शन सीरीज डेवलप की जा रही है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया।